क्या सिद्धार्थ होंगे नए राउडी, क्या हुआ फिल्म के बारे में कंफर्म, किस चीज का फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जिनके सीक्वल का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी में से एक फिल्म है अक्षय कुमार की राउडी राठौर। अक्षय कुमार की इस फिल्म से जुड़े अभी तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी राउडी राठौर 2 में अक्षय कुमार की जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आने वाले हैं। अब इसको लेकर कंफर्मेशन भी हो गई है। इसके बाद फिल्म से जुड़ी और भी खबरें सामने आई हैं। इंस्टाग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये तय हो गया है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की जगह सिद्धार्थ मल्होत्रा ही नजर आएंगे। कहा ये भी जा रहा है कि राउडी राठौर 2 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी अहम रोल में नजर आने वाली है। साथ ही साथ रिपोर्ट में बताया गया है कि इस फिल्म का डायरेक्शन अनीस बच्मी करने वाले हैं। और आपको बता दे कि फिल्म के पहले पार्ट का डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था। राउडी राठौर 2 को लेकर सामने आई इस खबर ने अक्षय कुमार के फैंस को दुखी कर दिया है। राउडी राठौर में धमाल मचाने वाले अब फिल्म के दूसरे पार्ट का हिस्सा नहीं होंगे। जानकारी के लिए राउडी राठौर में अक्षय कुमार के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आई थी, लेकिन कियारा की एंट्री के बाद सोनाक्षी सिन्हा की भी छुट्टी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास योद्धा फिल्म भी है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फैंस का इंतजार बढ़ गया है क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की नई रिलीज डेट सामने आई है। पहले ये फिल्म 7 जुलाई 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे रिलीज किया जाएगा यानी पोस्टपोन किया जाएगा। सागर आंग्रे और पुष्कर ओझा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है जब फिल्म योद्धा का रिलीज डेट बदल गया हो। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।